नारे कप्तान जी सरफराज। हाँ भाई, क्या रहे जिगर भाई। बाबा आज तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो कह रहा हूँ मिठाई बांटो, बल्कि कल तो छुट्टी अनाउंस कर दो, क्योंकि पाकिस्तान ने मैच ड्रॉ कर लिया भाई। पहले जमाने में होता था भाई कि जीतने पे हम खुश होते थे, अब तो ड्रॉ कर लिया भाई, बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में ड्रॉ करना भी बहुत बड़ी बात है भाई, मजाक बात नहीं है ये। पठान तो भाई हर जगह छाए हैं, पठान की चाय मशहूर है। हमारे ऑफिस के नीचे पठान वाला बैठा है जो मकाई बेचता है, ओहो उसकी मकाई मशहूर है। अब जैसे लाला है, लाला ने आते ही भाई टेस्ट की टीम अलग कर दी, ODI की टीम अलग कर दी, T20 की टीम अलग करी। जब T20 की टीम अलग करी, पीछे देखा कोई भी बंदा नहीं, क्योंकि कोई T20 प्लेयर ही नहीं है आपका, बाबर नहीं पीछे। भाई शाहिद अफरीदी ने वही काम किया है जो अब्बा घर पे होते हैं ना संडे को, तो भाई पंखे भी साफ कर दो, ये जाले भी साफ कर दो, दरवाजा ही बदल दो, पेंट करवा लो, कलर करवा दो, वही काम किया। या फिर वो मुझे अनिल कपूर की फिल्म याद आ गई जिसमें वो एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, तो सब चेंज कर देगा, पूरा सिस्टम बदल देगा भाई। वो PCB की जगह LCB ना कर दे, लाला क्रिकेट बोर्ड। बहरहाल भाई मैच की बात करते हैं, तो क्या बात है भाई, सरफराज अहमद ने आई लव यू भाई, मैं तो बोल रहा हूँ बफर जोन की रोडे, नई रोडे डाल दो, नई रोडे डाल दो, पुरानी रोडे खोद दो, नई रोडे डाल दो, लाइटें लगा दो, सजा दो भाई। जो बात है बैटिंग, जब बैटिंग रही पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स में, तो मुझे तो लगा भाई ये क्या, कौन सा इन्होंने, कौन सी भाई गोली खा ली है इन्होंने, जो ये फुल हाई फाई चल रहे। फिर बॉबी ने भी 150 मार दी, फिर सलमान ने भी 100 मार दी, वही मैं तो परेशान हो गया। मैंने बोला मैं कौन सा मैच देख रहा हूँ, एशिज देख रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आए तो पता चला कि भाई हो क्या रहा है, कहानी क्या है, ये बैटिंग ही पीछे भाई। अरे भाई 650 रन भाई आराम से फुल, पता नहीं कटा फुल 200 रन पे 5 विकेट लिया अबरार अहमद ने, वेरी गुड। जब बैटिंग हमारी कंप्लीट हुई फुल, फिर बॉलिंग की बात करते हैं। फिर बॉलिंग आई तो नए कुछ सिलेक्ट हुए बॉलर मीर हमजा, अभी एक मैच हुआ है, जज्बाती मत हो जाना, उसको हटा मत देना, पहला मैच है उसका, उसको थोड़ा लाइन एंड लेंथ सेट करने। सामने भी विलियमसन खड़ा हुआ था, थोड़ा सा उसको बच्चे को समझने में लगेगा, ठीक है जल्दी मत करना क्या यार, समझ नहीं आ रहा, नहीं नहीं दूसरा 20 लाओ, इसको खिलाना एक मैच और खिलाना, उसके बाद फिर फैसला लेना, ठीक है भाई। टेस्ट मैच में ना सेशन देखे जाते हैं, सीधी बात है, सेशन कोई भी सेशन खराब हुआ आपका, टी खराब हुई, आपकी चाय में चीनी नहीं हुई, टी खराब हुआ, लंच में कोई दाल बन गई, तो आपका सेशन खराब हो गया पूरा। जैसे यहाँ पे टी खराब हो गई, पता नहीं कोई चाय में क्या पीकर आया था, टी इनकी खराब हुई, सेशन 3 खराब हुआ, तो शुगर है मोहम्मद वसीम हमारा 43 ने उसने बना दिया आउट ऑफ सिलेबस आके। और भाई क्या बात है, मुझे तो कॉन्फिडेंस पे खुशी हो रही है, जिस तरीके से बॉबी स्टोक्स ने बुलाया ना, पर से रिजवान भी बीच में आ गया कि हाँ भाई आ जाओ, मैं सही बोलने, मैं मजाक नहीं कर रहा, आ जाओ देख लेंगे इनको। कोई 18 ओवर रह गए थे और 138 का बिनता, इनको लगा भाई आराम से बचा लेंगे, 10-10 रन के एवरेज से उन्होंने मारना शुरू करा। इनकी तो हवाइयाँ ही शार्ट हो गई भाई, कि बार बार सूरज को भी देख रहे हैं कि भाई वो बैड लाइट हो गई, एम्पायर थोड़ा सा ले दे के कर ले, जानी थोड़ा सा ले दे के कर ले, आज कर ले कल कर लेंगे। अंपायर ने फिर फाइनली बोला कि हाँ भाई बैड लाइट है, बंद करो गेम, ड्रॉ पे जाओ मैच। समझ ही नहीं आया क्या, उस पर खुश हो रहे हैं, वाह मतलब खुश हो रहे हैं। ऑल दो भाई सरफराज अहमद का कमबैक भी बड़ी खुशी हुई, जो बात है भाई कप्तान ने दिल जीत दिया, पहले ही मैच में आकर प्रूफ कर दिया, जब 3-4 साल से उनके साथ बुरा हुआ है प्रूफ कर दिया भाई। अब भाई न्यू ईयर फ्यूअर मनाओ, कल न्यू ईयर है, अब मनाओ न्यू ईयर फ्यूअर, लेके जाओ उनको बैरिया टाउन लेके जाओ भाई, इनको बताओ क्या होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में न्यू ईयर पे क्या होता है, 5 स्टार लेके जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ फुल बिठा के बाइकों पर सपाटर बन के। काय का न्यू ईयर यार, बस 2023 ही तो आ रहा है क्या, मतलब तुम लोगों ने कोई हल्ला मचा दिया न्यू ईयर। अगले साल भी वही काम चोर रहोगे, अगले साल भी मेरा दोस्त यही बोलेगा भाई जानी अगले साल पैसे ले लियो, तब भी उसने पैसे नहीं देना। चलो भाई मिलते हैं आप अगले साल, अल्लाह हाफिज़।